नमस्कार, मैं हूं आपका सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। 90 का दशक था और प्रदेश की राजनीति अपने उफान पर थी। मौसम से ज़्यादा सरकारें बदल रही थी। वहीं हरियाणा की गैंगवार राजनीति में एक प्रभावशाली गैंग का प्रमुख सरगना, जिसकी दहशत इतनी थी कि हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तक के लोग उसके नाम से कांपते थे। अखबारों के पन्ने रोज उसकी सुर्खियों से रंगे होते थे। लेकिन जिस गैंगस्टर की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है रोहतास उर्फ ताशी। 1995 से लेकर 2001 तक जो अपराध की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ नाम बन गया था, आइए जानते हैं इस गैंगस्टर की कहानी के बारे में। हरियाणा के पानीपत शहर से सटे सिवा गांव में जन्मे रोहतास उर्फ ताशी को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। इसी पहलवानी के लिए दिल्ली अखाड़ा में एडमिशन लिया, लेकिन महज 18 साल की उम्र में उसका नाम पुलिस की रिकॉर्ड में अपने परिवार के ही राजवीर का सिर फोड़ने के जुर्म में दर्ज हो गया। उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि कभी मुड़कर ही नहीं देखा। कत्ल, अपहरण, डकैती और रंगदारी इसका पेशा बन गया था। पूर्व से पश्चिम तक एक छत्र राज कायम करने का सपना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। और इसके बीच जो भी आया, उसे मारने की जरा सी भी देर नहीं की। इसी बीच गुड़गांव जेल में मर्डर, डकैती, लूटपाट करने के जुर्म में बंद रहते हुए इस गैंगस्टर का झगड़ा फौजी गैंग से हुआ। जमानत पर बाहर आने के बाद फरार होकर इसने एक के बाद एक दर्जन से भी ज़्यादा मर्डर करता चला गया। फरारी के दौरान इसकी दोस्ती चार राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके राजस्थान के पुष्पेंद्र जाट से हुई, जिसकी वजह से रोहतास ताशी ने गाजियाबाद मंडी के व्यापारी को गोली मारी। कुख्यात पुष्पेंद्र जाट अपराध की दुनिया में उस समय चर्चित हुआ था जब उसने राजस्थान के भरतपुर जिले के नंगला कुआ पंगोर में एक साथ 14 लोगों की सामूहिक हत्या की थी। रोहतास उर्फ ताशी ने पुष्पेंद्र और बंटी गुजर के साथ मिलकर मेरठ के स्वतंत्र रस्तोगी हपरण कांड को अंजाम दिया और मथुरा के चर्चित वकील अशोक व उसके दो साथियों को गोलियों से भून डाला। इसके बाद रोहतास उर्फ ताशी की दोस्ती कुख्यात बदमाश कुलदीप कालवा से हुई, जिसके साथ मिलकर रोहतास ताशी ने पानीपत सिंचाई विभाग के अंदर दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा की डकैती को अंजाम दिया, जिसमें खुद वो और इसके साथी पकड़े गए थे। इसके साथी कुलदीप कालवा को अपने दोस्त अजीत पहलवान की हत्या का बदला लेने के लिए रोहतास उर्फ ताशी की ज़रूरत थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने रोहतास उर्फ ताशी को जेल से पेशी के दौरान फरार करने की योजना बनाई। तो कुलदीप कालवा ने जब रोहतास उर्फ ताशी को अम्बाड़ा जेल से सोनीपत पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो कुलदीप कालवा ने अपने साथियों के साथ पुलिस पार्टी पर हमला बोलकर रोहतास उर्फ ताशी को छुड़वा लिया और एएसआई को गोली मारकर उसकी सरकारी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। और गरोंडा के पास हुई इस वारदात में सतबीर नामक एक अन्य कैदी की किस्मत की लॉटरी भी खुल गई और इस फरारी के दौरान तत्कालीन सांसद चिरंजी लाल के घर डकैती डालने की योजना भी रोहतास ताशी की नाकाम रही। रोहतास ताशी के दोस्त कुख्यात बदमाश कुलदीप कालवा के जेल में दोस्त बने पहलवान अजीत मोर माजरा की मार्च 2002 की सुबह तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी, जिसमें सुरेंद्र काला, दुर्जन सिंह और प्रकाश जींद के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। और काला के पक्षधर रहे प्रीतम आहूजा, जो शहर के प्रभावशाली, जिनकी आईएएस और आईपीएस लॉबी में पैठ थी। 23 मई 2001 को रोहतास उर्फ ताशी व कुलदीप कालवा उनके घर पहुंचे। उद्यमी प्रीतम आहूजा को कहा कि तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे विरोधी गैंग की सपोर्ट करना बंद कर दो। तो इस पर तत्कालीन भजनलाल सरकार और प्रशासन में रुतबे के घमंड में चूर प्रीतम आहूजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत बदमाश देखे हैं। तो दोनों ने मिलकर प्रीतम आहूजा को उसके ही घर में गोलियों से भून डाला। रोहतास उर्फ ताशी, जो हरियाणा की गैंगवार राजनीति में प्रभावशाली गैंग माना जाता था, इधर रोहतास उर्फ ताशी की तलाश में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। 6 जुलाई 2001 सुबह के 4 बजे थे, खबर पक्की थी कि रोहतास उर्फ ताशी अपने दोस्त पुष्पेंद्र जाट व अन्य साथियों के साथ गाजियाबाद या दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसके आधार पर साहिबाबाद पुलिस ने
टीमें गठित कर क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कर पानीपत पुलिस के 60,000 के इनामी बदमाश की कार को घेर लिया और मौके पर बदमाश व पुलिस में फायरिंग हुई। रोहतास उर्फ ताशी और उसका साथी पलवल निवासी फिरोज खान को मौके पर ढेर कर दिया। अपराध के गलियारों में कहा यह भी जाता है कि सत्ता और प्रशासन में मजबूत पकड़ रखने वाले प्रीतम आहूजा की हत्या इनके एनकाउंटर का कारण बनी। कहा यह भी जाता है कि कुख्यात बदमाश रोहतास उर्फ ताशी का एनकाउंटर प्रीतम आहूजा की पत्नी की आंखों के सामने किया गया। क्राइम स्टोरीज में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। मैं आपका लोकल रिपोर्टर सुधीर जाखड़। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।